अखिल भारतीय शिक्षक संघ का महा रैली यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ टीचर्स हैं उनके साथ महिला टीचर्स भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम अनिता रानी। पुरानी पेंशन स्कीम को अब लागू कराना चाहते हैं ना? अभी मैडम ने बोला है कि जो छठा वेतन आयोग जो आपको लागू हुआ है उसके अंदर काफ़ी विसंगतियाँ पाई गई हैं, और सातवें वेतन की बात कर रहे हैं, तो आपकी क्या मांगे हैं? मैं मिसेज सुलभा अरुण डोंडे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन एंड ऑल्सो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वीमेन नेटवर्क। हम पूरे देश में ये आंदोलन चला रहे हैं। ये आंदोलन पहला हमने ब्लॉक स्तर पर 25 अप्रैल में चलाया, फिर 5 अगस्त में जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये आंदोलन चलाया, फिर 5 सितंबर में पूरे देश में स्टेट लेवल पर ये आंदोलन हमने चलाया है, और आज यहाँ 5 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिन मनाया जाता है उस दिन पर हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन करीबन हमारी 30 लाख की सदस्य संख्या है, और इसमें करीबन 42% महिलाएं हैं, और आज आप देखेंगे कि यहाँ भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित है। हमारी 3 मांगों को लेकर हमारे हर राज्य में विभिन्न समस्याएं हैं, विभिन्न प्रॉब्लम शिक्षक फेस कर रहा है, लेकिन पूरे देश में जो प्रमुख 3 मांगे हैं, वो प्रमुख 3 मांगों को लेकर आज हम यहाँ धरना प्रदर्शनी राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। इसमें हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मांग है वो है कि पुरानी पेंशन योजना सभी शिक्षक कर्मचारियों को सभी को लागू करो, क्योंकि नई पेंशन योजना बिल्कुल ही हमारे लिए ठीक नहीं है। इसमें शिक्षक का जीवन अंधकारमय हो जाएगा, ऐसी ये नई पेंशन योजना है तो ये तुरंत बंद होना चाहिए और पुरानी पेंशन योजना ही बहाल होनी चाहिए। यह हमारी एक मांग है। दूसरी मांग हमारी है कि 7वां वेतन आयोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया, लेकिन हमारे कई राज्य है जिनमें 7वां वेतन आयोग अभी तक नहीं दिया। 6ठे वेतन आयोग में बहुत सारी विसंगतियां है, हर राज्य में विसंगतियां है, ये सारी विसंगतियां दूर होनी चाहिए, और 1-1-16 इससे पूरे देश में 7वां वेतन आयोग 6ठे वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करके लागू होना चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। और हमारी तीसरी मांग है कि शिक्षा आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि हमारे शिक्षकों के प्रश्न है वो अलग है, वो दूसरे सरकारी कर्मचारियों से हमारे प्रश्न अलग है। इसीलिए शिक्षा के लिए, शिक्षा नीति के लिए, इसका अमल करने के लिए शिक्षा आयोग का गठन होना राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आवश्यक है, और इस 3 प्रमुख मांगों के साथ आज हम धरने पर बैठे हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तो 19 का इलेक्शन उनके लिए भी भारी होगा, क्योंकि हमारा जो शिक्षक है 30 लाख शिक्षक है, वो देश के कोने कोने में, देश के चप्पे चप्पे में हमारा शिक्षक है, और वो काम कर रहा है, बहुत दूर दराज में हमारा शिक्षक काम कर रहा है। तो ये हम मैसेज देना सरकार को चाहते हैं कि यदि हमारी मांगे आपने नहीं पूरी कर दी तो आपको कुर्सी हम खाली करवा के ही रहेंगे, यही हमारा पूरा निर्धार है। मैडम, एक तरफ कहा जाता है कि जो शिक्षक संघ का भारत निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है, और आज शिक्षक सारे ही जो संसद भवन संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश का जो शिक्षक है वो यहाँ आज प्रातिनिधिक स्वरूप में आया है। एक्चुअली
हमने सभी को नहीं बुलाया है, हमने बुलाया है हमारे राज्य के जो पदाधिकारी है, जिला के ब्लॉक के पदाधिकारी। यदि हम सभी टीचर्स को यहाँ बुलाते तो लाख डेढ़ लाख से कम शिक्षक हमारा कभी होता नहीं। लेकिन इस बार हमने ये प्रतिनिधि स्वरूप का ये किया है, ये धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।